नमस्कार साथियों। तो फाइनली हम लोगों ने जो आपसे वादा किया था कि रामानुज निषाद जी इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं और ये विधायक सागन से विधायक का चुनाव भी लड़ रहे थे वीआईपी पार्टी से, लेकिन क्या रणनीतियाँ रही हैं वो एक अलग मामला। लेकिन आज हम राजनीति मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम जानेंगे कि रामानुज निषाद जी फिलहाल जो है लखनऊ में, और ये आप देख सकते हैं कि इनका कितना शानदार ऑफिस है, तो ये क्या वर्क करते हैं और किस तरह से लोग इनके साथ में जुड़ करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ऐसा क्या ये बिजनेस करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका, बहुत बहुत वीआईपी धन्यवाद पार्टी में। आपका। सर आप सबसे पहले ये बताएं एकदम बहुत बढ़िया है सब। आप सबकी दुआ है, सब बढ़िया चल रहा है। तो क्या चल रहा है सर आजकल? आजकल देखिए, हम लोग रियल एस्टेट का काम लखनऊ में करते हैं। कंपनी का नाम है गोल्डन राइज इंफ्रा हाउसिंग, और इसमें कंपनी के पास 3 साइड हैं, और ये तीनों साइड सुल्तानपुर मेन हाईवे से एकदम सटी हुई हैं। बंदरा बसड्डा बन रहा है, पहले साइड हमारी उसके पीछे है, गोल्डन इंफ्रा हाउसिंग कैसल के नाम से है, जहाँ पे आप देखेंगे 45 फीट की रोड बनी हुई है, ईटा लगा हुआ है, और रोड वगैरह का काम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं हम लोग, और उस पर मकान भी इसी महीने बनना शुरू हो जाएगा। और कंपनी का जो टारगेट है कि अपने कस्टमर को एक अच्छी सुविधाओं के साथ उनको प्लाट दिया जाए, और आसान तरीके से प्लाट लेने में जिससे उनको सुगमता हो, उसके लिए बैंक से भी बात चल रही है, बैंक से भी हमारा फाइनेंस रहेगा। उसके बाद हम वहाँ पे बिजली का काम शुरू करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का काम भी शुरू किया जाएगा, बाउंड्री वॉल किया जाएगा पूरी तरीके से। एक बहुत ही बेहतरीन साइट का निर्माण हमारे माननीय MD माननीय राजदेव सर के करकमलों द्वारा होने जा रहा है, और दूसरी साइड जो हमारी है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में है, और मोहनलालगंज जो रोड जाती है उसके मेन हाईवे से सटी हुई हमारी साइड है। और इस साइड आप देखेंगे तो वहाँ हम लोग ने गिट्टी वगैरह सब डाल दिए हैं, और रोड सब बन रही हैं, पेड़ पौधे का काम चालू हो गया है, शुरू किया जा रहा है, जो भी हमारे कस्टमर वहाँ प्लाट लिए हैं उनको बाउंड्री दिया जा रहा है। आने वाले समय में वहाँ भी एक बेहतर साइट हम लोग मार्केट में जो है एक बेहतरीन साइट के रूप में लॉन्च करने वाले हैं। उसका फेज टू भी कंपनी के मालिक बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे आप आसान किस्तों में भी प्लाट आप वहाँ पा सकते हैं। हमने तो MD साहब से बात किया है कि अगर कस्टमर के पास कम पैसा है, अगर 50% भी वो पैसा दे दे रहा है, तो हम लोग उसको रजिस्ट्री देंगे, कब्जा देंगे, बाकी जो और पैसा बचता है वो आसान किस्तों में धीरे धीरे कंपनी को पे कर सकता है। तीसरी साइड हमारी है गोल्डन फार्म के नाम से, जो कि सुल्तानपुर मेन हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है, और ये बहुत ही अच्छी साइड डेवलप होने जा रही है, जहाँ पे अभी कंपनी काम नहीं शुरू की है, किसानों से रजिस्ट्री ले रही है, और कंपनी अपने नाम रजिस्ट्री ले करके कस्टमर को रजिस्ट्री कर रही है, जहाँ पे आपको तुरंत पजेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्री खारिज दाखिल आपको मिल जाएगा। कंपनी का रेट वहाँ 600 रुपये स्क्वायर फीट है, जिसमें अगर कस्टमर मात्र 50% भी पैसा दे रहा है, ला रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के हमारे जिले के तमाम सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। आज इस बेरोजगारी के दौर में हमारी कंपनी अपने लोगों को एक अवसर प्रदान कर रही है, और मैं तो कहूँगा कि सैकड़ों लोगों का चूल्हा जो है इस गोल्डन राइज इंफ्रा हाउसिंग कंपनी से चल रहा है, लोग अच्छे अपने ज़िंदगी को संवार रहे हैं। जो पैदल चढ़ के आए थे लखनऊ में, आज हमारे साथ और हमारे MD साहब के सहयोग से वो आज यहाँ गाड़ी की सैर कर रहे हैं, और अपने समाज का उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इस लाइन में जो ये रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी का जो कार्य करते हैं, इसमें कितना आपको समय हुआ और अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लखनऊ से जुड़े हुए हमको लगभग 7 से 8 साल हो गया है, और माननीय राजदेव सर के साथ हम लोग बहुत दिनों से रहे, जब इनका
लखनऊ में एक छोटी सी ऑफिस, एक कमरे का ऑफिस बना करके जब उन्होंने काम शुरू किया था, तभी से हम लोग इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के युग में रियल इस्टेट का जो बिजनेस है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम समय में आपको तरक्की के रास्ते पे ले जा सकता है। और लखनऊ जैसे महानगर में अगर आप जिसको ज़मीन दिलवा दे रहे हैं, तो ये एक बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। आप देख रहे हैं, सरकार लखनऊ के विकास के लिए तमाम सारी मीटिंग कर रहे, तमाम सारे उद्योगपतियों को बुला करके यहाँ पे तमाम फैक्ट्रियाँ वगैरह सब लगवा रही है। तो आने वाले समय में ये बहुत ही बढ़िया, एक इन्वेस्ट के पर्पज़ से अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है अपने रुपये को, तो आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा भविष्य होगा। उसके बाद जो ये आईटी हब बन रहा है और तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं आने वाले समय में उनको पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन माहौल मिलेगा। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि वो अपने लिए तो करें ही, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ निवेश जरूर करें। तो देखिए, ये हैं हमारे रामानु निषाद जो राजनीति भी करते हैं और राजनीति के साथ साथ अपना स्वयं का व्यापार भी करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सर, राजनीति भी और बिजनेस भी? देखिए सर, राजनीति जो है, राजनीति में तो हम लोग सक्रिय है ही हैं, और बिजनेस जो रहा, बिजनेस तो पार्ट टाइम का बिजनेस है। बाकी जो सब सिस्टम बना हुआ है, कंपनी सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, और जो हफ्ते का लगभग 5 से 6 दिन लखनऊ में दिया जाता है, 1 से 2 दिन जो बचता है वो क्षेत्र में भी दिया जाता है, क्षेत्र के लोगों से मुलाकात होती है। क्योंकि ये जो बिजनेस है, तो ये दूसरों से मुलाकात और दूसरों से जो है कि बातचीत करने का ही बिजनेस है। लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है, उनके सोच को बदलना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्षेत्र में भी चलते हैं, राजनीति भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन वो लोग कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो भी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा मकान हो, घर हो, है, और बढ़िया से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो इन सब चीज़ों में आप और आपकी कंपनी पूर्ण रूप से जो है लोगों को सपोर्ट करती है, जैसा आपने बताया है। तो क्या समाज के लिए राजनीति और बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपको राजनीति करना है, समाज सेवा करना है, तो बिना आप बिजनेस और बिना रुपए पैसे की आप नहीं कर पाएंगे। बिजनेस और समाज और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, और पैसा आपको कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन एक ईमानदारी का पैसा होना चाहिए, और एक अच्छे रास्ते पे चलते हुए अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तभी आप राजनीति में और समाज में एक अच्छा अपने आप को कर पाएंगे। अच्छा, लखनऊ में प्रॉपर्टी लेने के लिए पूरे भारत से कहीं से भी प्रॉपर्टी कोई ले सकता है? देखिए, पूरे आज उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, तो पूरे लखनऊ का जो ग्रोथ है, दिल्ली का रियल एस्टेट आप देखेंगे तो वहाँ घटा हुआ है, ग्रोथ सारे जहाँ घटा हुआ है, लेकिन लखनऊ, हम तो कह रहे हैं कि जो कोरोना काल में भी हर जगह का रियल एस्टेट का ग्रोथ घटा, लेकिन लखनऊ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्लाट हम लोग कोरोना काल में ही जो है सेल किए हैं। कभी भी लखनऊ का ग्रोथ जो है घटा नहीं रियल एस्टेट का। और आप देखेंगे, बिहार से लोग आते हैं प्लाट लेने के लिए, बिहार से तमाम सारे लोग हमारे यहाँ रजिस्ट्री कराए हुए हैं, दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, तमाम सारे शहरों से लोग आ रहे हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लखनऊ में। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लखनऊ जैसे हाईटेक जो शहर बन रहा है, इसमें तमाम सारे लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने सपनों का एक सुंदर सा मकान जरूर लखनऊ में बनाना चाहिए। तो देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको जानकारी मिली है कि अगर आपके पास कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है
इन भविष्य, तो लखनऊ से बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कंपनी और कंपनी के लोग और यहाँ पर बैठे हुए आपके अपने भाई बंधु जो हैं, वो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अगर लखनऊ में प्लॉट लेना हो तो मिनिमम क्या स्क्वायर फीट का आप लोगों के यहाँ रेट, और मैक्सिमम क्या है, कम से कम क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ताकि दर्शकों को पता चल सके। हमारे यहाँ देखिए 600 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 1200 रुपये स्क्वायर फीट तक के प्लाट हैं, और छोटे से बड़े प्लाट हैं। अगर किसी के पास अच्छे लोकेशन में प्लाट लेना है और ज़्यादा पैसा नहीं है तो छोटे भी प्लाट हमारे यहाँ हैं, जैसे 600 स्क्वायर फीट के प्लाट हैं, 800 स्क्वायर फीट के प्लाट हैं, 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट हैं, तो वो कम पैसे में भी अपना आशियाना एक अच्छे लोकेशन में बना सकता है। और अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा ज़मीन लेना चाहता है कम रेंज में, तो उसके लिए हमारे पास फार्म हाउस है जो 5-10 हज़ार स्क्वायर फीट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और उसका पैसा मात्र 2 से 3 साल में 3 से 4 गुना होने का एक मैं गारंटी लेता हूँ। आने वाले समय में एक बेहतर उसको जो है प्राइज मिलेगी। जो लोग आपसे मिलना चाहें तो आप कहाँ मिलते हैं, मतलब आवास पे, यहाँ यहाँ लखनऊ में ऑफिस पे बैठते हो, टाइम टाइमिंग क्या है आपकी, किस समय तक आपसे मिल सकते हैं और कैसे मिला जाए? देखिए हमारी ऑफिस जो है गोमती नगर विस्तार खंड में है, और हम जो है यहाँ 10 बजे से लेकर के लगभग 6 से 7 बजे तक ऑफिस पे रहते हैं, और हफ्ते में लगभग सोमवार तक रहते हैं, मंगलवार को हमारी ऑफिस क्लोज रहता बंद रहता है, तो मंगल और बुधवार तक लगभग हम अपने क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद बुधवार को शाम को फिर हम लोग आ जाते हैं, बृहस्पतिवार से सोमवार तक फिर यहाँ समय देते हैं। तो जिसको भी मुलाकात करना होता है वो ऑफिस में मिलते हैं, और नहीं तो क्षेत्र में हम खुद ही चल के मिलते हैं लोगों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे रामानु निषाद जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी वीआईपी पार्टी से। तो अगर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप आइए लखनऊ में, रामानु निषाद जी से मिलिए, और सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। मिनिमम 600 रुपये से लेकर के 1200 रुपये स्क्वायर फीट तक के इनके पास में प्लॉट है, और छोटे बड़े जिस स्तर का आपको प्लॉट चाहिए, चाहे वो 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, हर तरह के प्लॉट यहाँ पर उपलब्ध हैं, और आपकी जरूरत के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो भविष्य लखनऊ का बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, गुजरात देखिए कहाँ है, बॉम्बे, महाराष्ट्र कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, वहाँ तक के लोग आकर के लखनऊ में जो है प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अपने बच्चों के लिए आने वाले समय में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में 10-20 साल बाद अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी लोकेशन पे रहें, और वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छे माहौल में रह सकें, तो उसके लिए आप लोगों को भी अच्छी ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। खैर, रामानु निषाद से आपको कैसे मिलना है, क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पर ऐड कर देते हैं। आप ज़रूर एक बार आप मालूम तो करिए, एक बार विजिट करिए साइड की, बस लेना ना लेना वो बाद की बात है, पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो भी बाद की बात है, लेकिन एक बार पहले आइए, मिलिए, विचार को समझिए, साइड को देखिए, देखने से मामला बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।